हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। जिनका भी एडमिशन 2021 में हुआ था उन सभी के लिए सोल की तरफ से प्रोविजनल सर्टिफिकेट रिलीज़ कर दिए गए हैं। अब बात रही प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे डाउनलोड करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, वो पूरी वीडियो में समझाएंगे। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। उससे पहले अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उससे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अपडेट की तरफ। देखिए, जिन भी स्टूडेंट ने 2021 में एडमिशन लिया था उनका ये लास्ट सेम था, जिनके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और काफ़ी कोर्सेज के रिज़ल्ट आ चुके हैं। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जिनके रिज़ल्ट आए हैं उनका ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलेगा। अब बात रही क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं डाउनलोड कैसे करना है। ड्यू सोल की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाना है। पहली ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टू वेबसाइट आप जैसे ही करेंगे हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। पीजी पे दब गया, ये देखिए कंटिन्यू टू वेबसाइट करा। अब यहाँ पे एकेडमिक्स में जाइएगा, स्टूडेंट, यहाँ पे हमें दिखेगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको सेशन में क्या रखना है, अब जो भी आपका लास्ट सेम था तो आपका लास्ट सेम का सेशन क्या था, 2023 से लेके 24 में, 24 में आपका 6 AM का एग्ज़ाम हुआ है तो आपको ये रखना है, ये चीज़ें क्लियर। अब बात है रोल नंबर। देखिए, रोल नंबर आप मोबाइल से कितनी भी कर लेंगे कोशिश, ये लिखा नहीं जाएगा, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। चाहे आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर लीजिए। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए आपको लैपटॉप यूज़ करना पड़ेगा या PC। उसमें आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी लिखिए, एक सेकेंड इसे थोड़ा साइड करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए, यहाँ पे टाइप नहीं होगा, भले ही कुछ भी कर लीजिए। ये दिक्कत है, ये पिछले साल भी थी और साल भी थी, इसका बस यही सॉल्यूशन है। लैपटॉप में ट्राई कीजिए, आराम से कीबोर्ड से टाइप हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। डाउनलोड करा था वो भी आपको दिखा देंगे। यहाँ पे आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर डाल देना है, जो उस पर आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो भी उसमें लिखा होता है वो वाला। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने PDF का डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उसे डाउनलोड कीजिएगा। उसके साथ में आपको PDF ओपन होगी, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए, मैं थंबनेल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर, एनरोलमेंट नंबर, फोटो होगा, QR कोड होगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिखा होगा और आपका नाम लिखा होगा, जो आपका रोल नंबर है, कब से आपने ज्वाइन किया था सोल को और कब आपका लास्ट था वो लिखा होगा, जो आपका कोर्स है 2023 की जगह 24 लिखा होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो आपकी टोटल CGPA आई है 6 के 6 सेम मिला के वो लिखी होगी। और यहाँ पर आपको लिखा होगा प्रोविजनल जो आपने डाउनलोड किया डिक्लेयर, यहाँ पर आपका गुड मॉरल करेक्टर और नीचे जो भी अथॉरिटीज़ के साइन है ये सब। अब बात आती है ये काम कहाँ आता है, इसका यूज़ क्या है। देखिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक आपका कॉपी होती है डिग्री की, जहाँ आपकी डिग्री काम नहीं आती वहाँ आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट काम आ जाता है। मतलब जिन स्टूडेंट के पास डिग्री नहीं है, एक साल तो देखिए लग ही जाता है डिग्री आप सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँचने में, तो वहाँ हमारे काम करता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो कि सारी कंपनीज में एलिजिबल है, सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एलिजिबल है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है वहाँ पे आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जो कि एक टाइप से डिग्री का ही काम करेगा आपकी ग्रेजुएशन की, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई इस कॉलेज से, ये चीज़ें क्लियर। तो आप जिन भी स्टूडेंट के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जहाँ भी आपको सेव करना है कर लीजिएगा इसको अच्छे से, क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट बहुत काम की चीज़ है। या आपके सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, कोई भी कंपनी के इंटरव्यू में, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, जहाँ पे आपके पास डिग्री अवेलेबल नहीं होती है वहाँ पे आपका ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट बहुत काम करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जिन भी स्टूडेंट का डाउनलोड हो चुका है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या CGPA आई है, वो भी बताइएगा। जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए प्रोग्राम वाले कोर्सेज़ का भी रिज़ल्ट नहीं आया था, बाकी का आ गया था, उन सभी का डाउनलोड हो रहा होगा। जिन भी स्टूडेंट का डाउनलोड हो रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं।